भारतीय किसान यूनियन ने आज केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून वापसी को लेकर भारत बंद का ऐलान किया था, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कल बयान जारी कर कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विकास यूनियन द्वारा कोई चक्का जाम नहीं किया जाएगा, बल्कि सभी जिलों में किसान यूनियन के पदाधिकारी एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपेंगे। मुरादाबाद में भी आज भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून की वापसी को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि जल्द ही केंद्र सरकार कृषि कानून को वापस ले, इसके अलावा MSP कानून के दायरे में लाए। इसके अलावा किसानों ने मांग की है कि आधा सत्र करीब बीत चुका है, लेकिन अभी तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया गया है, मुख्यमंत्री द्वारा गन्ना मूल्य की घोषणा की जाए, तीनों जो कानून है वो वापिस हो और उसके बावजूद MSP कानून में लाई कानून के दायरे में लाई जाए, ये हमारा उद्देश्य है। क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो एक हमारा ये है जो मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन देंगे हम। मुख्यमंत्री के मुद्दे में ये है कि जो हमारी जैसे गन्ने की बेल्ट है, जैसे जिंसों की और अन्य जिंसें हैं, जिस ढंग से हमारी लागत उस जिंसों में आ रही है उसे आंकते हुए उसकी भरपाई करें। मुख्यमंत्री क्यों देरी कर रहे हैं हमारे गन्ने के भाव में? उसकी लागत मूल्य के हिसाब से हमारे गन्ने का तुरंत भाव तय किया जाए।